हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये हमारी हवेली के पास वाली छतरियाँ दिखाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस ब्लॉग में मैं आपको ये छतरियाँ दिखाऊंगी। हाँ, सबसे पहले मैं सबसे बड़े महाराज को दिखाऊंगी। ये सरदास जी महाराज, इनकी ये छतरी है। ये इनकी चरण पादुका है। ये सरदास जी महाराज सबसे बड़े यही थे, और फिर इनके शिष्य हुए हनुमान दास जी महाराज। ये इनकी चरण पादुका है, ये इनके सरदास जी महाराज के शिष्य हैं। और हम यहाँ पे हमेशा दियाबत्ती करने आते हैं रात को। और इनके शिष्य हुए हैं सावरदास जी महाराज। ये सावरदास जी महाराज के गुरु हैं, जिनकी पुण्यतिथि आज है। हाँ बाबा साहब गुरु। और ये है सावरदास जी महाराज की छतरी। सेठ सिंधाराम जी की है ये छतरी। और ये पूरा इधर गेट है, और ये पूरा गार्डन सा बना हुआ है थोड़ा। यो, वो रही छतरी। चलते आ जाओ। यहाँ सेठ सिंधाराम जी की वाइफ का अंतिम संस्कार किया गया था, और यहाँ पे भी छतरी बनाई जाएगी। उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। चारों तरफ फूल ऐसे बनाया हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं। यहाँ सफाई नहीं हुई है काफी टाइम से, काफी पुरानी छतरी है ये। वो रहा नाम उधर, सेठ सिंधाराम जी। राम 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 राम। कुछ थोड़ा हल्का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर हो गया ना, बादल थोड़ा हल्का ही दिख रहा है। ये पूरी ऐसे बने हुए है इसमें, और ये काफी बड़ी भी है। और यहाँ चारों तरफ ये दीवार बनाई हुई है। और ये ऊपर वाले छतरी तो मैंने आपको ये ऊपर से तो दिखाई दिया है, ये चारों तरफ दीवार बनाई है इसकी। और वहाँ पे वो सीढ़ियाँ हैं। सो ये थी मेरे गांव की चार छतरियाँ। कौन सी छतरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।